हैं कि इंडिया आज इस मैच को आ रहा 32 रन से, ठीक है 208 आप ऑल आउट हुए, सेम पिछले मैच में रिपीट हुआ। आज इंडिया के जो ओपनर्स हैं उन्होंने 97 रन कोलैप्स, हम कह रहे हैं दो अगर दोनों मैचेस का, ये पहले मैच का ये दूसरे मैच का, अब ओवर्स नहीं वहां पर 12.4 में इंडिया था 75/0 पहला मैच, वहां से हो गया 132 पर 5 24.2 डबल में 12 ओवर में, और आपका स्कोर ही हो गया, आपने अगले जो 5 विकेटें खो दी एक के बाद एक, सेकंड ओडीआई में आप 97/0 13.3 अगले 10 ओवर में जहां पर वेंडर से का स्पेल चलाए क्योंकि उन्होंने गेंदबाजी यहां अभी 6 विकेट लेंगे, वो 6 विकेट लेंगे 147/6, मेरा पॉइंट है 147/6 हो गया, उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की, अब 185 तक ये दोनों ले गए 7वां विकेट, लेकिन आप ये देखिए इनकी जो पार्टनरशिप हुई है कितनी 38 रनों की, उसमें भी 10 ओवर गए, सो हुआ क्या है 97/1 इंडिया का है 13.3 ओवर में इंडिया ने रन बनाए 208 42.2 ओवर में, मतलब तकरीबन कितने ऑलमोस्ट 29-30 ओवर खेल गया इंडिया, 29-30 ओवर में रन कितने बनाए 111 रन बनाए इंडिया ने लास्ट तकरीबन 30 ओवरों में, यार एक तो होता ना कि 99 डॉट बॉल्स यहाँ पर इंडिया का जीरो विकेट यहाँ पर नहीं गिरी थी, उसके अंदर 40 ओवर की कैलकुलेशन नहीं गिरी थी, 90 डॉट बॉल्स थी तब तक, लेकिन 97/1 आज क्या हुआ बैटिंग ऑर्डर में, आपने उस दिन सुंदर को 4 खिला दिया, आज क्या हुआ दुबे जी 4 आए और उसके बाद अक्षर 5 आ गए, So, अक्षर ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, बट द फैक्ट इज कि उससे आपके श्रेयस अय्यर साहब हो रहे थे 6 और केएल राहुल हो रहे थे 7, यार अब अगर मैं स्पेशलिस्ट बैट्समैन हूं यार 7 नंबर, हालांकि एक्सक्यूज नहीं है पॉइंट इज कि आपका कॉन्फिडेंस स्किल सब आज कुछ भी नहीं था, पर यार 7 नंबर T20 में तो हम करते हैं, T20 में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मनोज यादव आप चले जाओ, धीरज यादव आप चले जाओ, वनडे क्रिकेट में आपको थोड़ा सा एक लंबा बैटिंग ऑर्डर लेके चलना होता है, सो आई डोंट नो, बट स्पिन जहां पर हल्का सा बॉल घूमता है, आप देखो विराट का भी आज 2 बार आउट हुआ वर्चुअली, वो एक बार ऑफ स्पिनर को बैकफुट पे गए वो पैड था और उसके बाद जो DRS में वो बचे हैं वो सब हंस भी रहे थे, श्रीलंका के प्लेयरों ने हेलमेट भी फेंके हैं और कमेंट्री में भी कह रहे थे कि वो स्निकोमीटर पे तो आया बट बॉल और बैट के बीच जो हमने टीवी पे देखा वो गैप था, वहां पर बैकफुट पे बचे उसके बाद टांग आगे रखी है और फिर स्पिनर की फिर वो पुरानी कमजोर मैचों में जब रोहित शर्मा आउट हुए दोनों मैच में उससे पहले ये लग रहा है कि मजाक चल रहा है, रोहित शर्मा विराट कोहली और के राहुल सूर्यकुमार यादव जैसे बड़े बड़े नाम थे और उसे हरा दी है उस श्रीलंका की टीम ने, जो दोस्तों मेन टीम को कहे तो वो भी बेड़ा गर्क है और ये तो टीम बी खेल रही थी जिसने इन्हें हरा दिया है, जेफरी वेंडरसरे ने 6 विकेटें उड़ा दी जिसमें रोहित शर्मा विराट कोहली और के राहुल की विकेट थी, पहली की पहली 6 के 6 विकेट उन्होंने उड़ा दी, उसके बाद तो दोस्तों श्रीलंकन कप्तान को कोई तरस आ गया तो उसने उन्हें ओवर ही नहीं दिया, लास्ट में जाकर ओवर दिए लेकिन उस वक्त अगर ओवर देता तो वो 54 पर था, 6 से वो 9 कर देता और हो सकता है कि 10 की 10 विकेटें वो ले लेता और एक दुनिया का वाहिद रिकॉर्ड बन जाता, यहाँ पर इंडियन टीम हार गई है 32 रन से और वो इंडियन टीम जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई है उससे हारी है, उस टीम से हारी है जो चैंपियन ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं है, श्रीलंकन चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएगी, जबकि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आने से इनकार करती है और दोस्तों नहीं आती तब जाकर श्रीलंकन टीम का चांस बनता है, लेकिन उसके अलावा कोई चांस नहीं बनता, जबकि इंडियन टीम की बात की जाए तो इंडियन टीम पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार है और अब ऐसी बातें आना भी शुरू होगी कि वो आएंगे, आज श्रीलंका ने उन्हें धूल चटा दी है और श्रीलंका की वो टीम सामने आ गई है जो दुनिया की हर टीम को हरा सकती है बड़े आराम से, दोस्तों एक बॉलर ने जाकर 6-6 विकेटें निकाल दी तो खुद सोचिए कि अगर एक और इस तरह का बॉलर आ जाए तो श्रीलंका की टीम बस पूरी है, उन्हें अच्छे बैट्समैन भी मिल गए हैं जो इतनी खतरनाक पिचेस पर भी 240 रन बनाने की ताकत रखते हैं, जबकि वर्ल्ड चैंपियन 208 पर ढेर हो जाती है और पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती, 42.2 ओवर में पूरी की पूरी इंडियन टीम हार जाती है, और उसके बाद जो इंडिया की टीम श्रीलंका जाती थी जिसमें श्रीलंका के दिग्गज टीम हुआ करती थी ऐसी विकेट होती थी, तो फिर सचिन तेंदुलकर के रन निकाल लो, द्रविड़ के, गांगुली और सहवाग उन सबके रन निकाल के, युवराज सिंह धोनी ला आपके सामने, वो तो उस टाइम जो स्पिन खेली जाती थी, तो फिर अब क्या हुआ, फिर हुआ क्या, मुरलीधरन है क्या उस टीम में, अजंता मेंडिस है क्या उस टीम में, सरद जयसूर्य बॉल डालते क्या उस टीम में, क्या आपके पास लंदन आ रहा था उस टीम में, फिर उसके बाद आपके पास फास्ट बॉल में चमिंडा वास है, तो यार आप देखो एक मैच हारना कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला मैच जो भी हुआ नहीं हुआ, बट यार सेकंड मैच की तो आप देख लो ये पोल है आपकी जो खुल गई है, मतलब या तो आप ये कह लो जो अक्सर कहा जाता है कि थोड़े से वो क्या है रस्टी है बैट्समैन, भाई विराट और रोहित रस्टी थे, मैंने ये कहा था कि जब जब क्रिकेट की टीम आपकी कोच सेंट्रिक होगी
और जब जब हम मीडिया में कोच की बात करेंगे तब तब आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी, क्योंकि एक ये चलने वाली ट्रेन थी, गौतम गंभीर उस ट्रेन में चढ़े हैं, गौतम गंभीर ने नई ट्रेन नहीं पैदा की है, गौतम गंभीर ने ट्रेन का जो रास्ता है पटरी नहीं बदली है। भाई आप तो यार जबरदस्त तजुर्बे वाली टीम हो ना, वो आए ठीक है, मैं मानता हूं कि उनको T20 में ट्वीक करने का मौका है, बिकॉज इट्स अ यंगिश टीम, यंगिश कप्तान है, तो वनडे तो आपका ग्रेवी ट्रेन है ना, आप तो ग्रेवी ट्रेन है, आप तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम हो। मतलब वनडे में हमारे पास T20 जैसे कुछ मतलब रिबूट नहीं करना है, प्लेयर्स नहीं देखे, नॉर्मल चलना सब कुछ है, तो वहां पर अब वो उनका आइडिया है या जिसका भी आइडिया है, जैसे रोहित से भी आज बॉल किया या उसी शुभमन ने बॉल किया, हमें बहुत अच्छा लगता है बात करने का, अरे वाह रोहित भाई आ गए, फिर अब होगा कि कल विराट भाई बॉल करेंगे, जरूरत है क्या? जो ये दिक्कत नहीं है, जैसे ये ऑप्टिक्स है, देखो क्या होता है, ये ऑप्टिक्स है, इन ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं है। हाँ आपने कल सुंदर को ट्राई किया था ऊपर बैटिंग करने का, देखने के लिए कि सुंदर में क्या है, या फिर लेफ्ट हैंडर चाहिए था। आज आपने शिवम दुबे को, क्योंकि दुनिया ने कहा पब्लिक डिमांड कि शिवम दुबे क्यों नहीं गए, आज आपने शिवम दुबे आप चले जाओ, बट अगला ही अक्षर पटेल को भेज दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लेफ्ट हैंडर की जरूरत नहीं थी जो है, तो फिर मैं मुझे बात बताइए एक मिनट है, अगर आपको उस टाइम पे लेफ्ट हैंडर चाहिए कि जी श्रीलंका ने लेग स्पिनर से बॉल कराना है, तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को खिला लेते ना फिर 11 में, आप फिर ऋषभ पंत को खिला लेते 11 में, इतना श्रीलंका का हुआ है कि उनके पास जो बल लाल लगे, आपको नीचे से पुश करना पड़ रहा, तो लेफ्ट हैंडर ही खिला लेते, वेंडर से तो आ जाए ना, वेंडर से को आज से पहले कोई उतना उस तरीके से भी नहीं आता, और हसरंगा उनके बाहर रुके थे, तो आज अगर आपको इतनी जरूरत लग रही है कि हम इनकी लेफ्ट आर्म स्पिन या हम, तो आप अपनी बैटिंग बढ़ाओ, आप अपने बॉलिंग ऑप्शन क्यों बढ़ा रहे हो, आप ऐसे विकल्प रख रहे हो कि शिवम दुबे वॉशिंगटन सुंदर बैट बॉल दोनों चीज हमें दे देंगे, दुबे से तो आप बॉल भी नहीं ले रहे हो, इन विकेट के बाद मतलब पहली विकेट गिरने के बाद आपने 99 डॉट बॉल्स खेल दिए, आप मैच जिसने देखा हो तो हाइलाइट देख रहे हैं यार, आपने देखा वो बॉल डाल रहा है, बैट्समैन यहां सिर्फ उसको फॉरवर्ड रोक रहा है या बैकफुट पे आके रोक रहा है या मिस कर रहा है, यार अल्टीमेटली ये आपको नहीं था, ये टेस्ट मैच नहीं था कि सेशन खेलना है, सेशन बचाना है, आपको रन भी तो करने हैं, अभी अगर आप ऑल आउट में होते तो बॉलों पे हार जाते मैच, 13 ओवर में 97 थे ना, तो आपके आप बॉलों पे हार जाते मैच, 99 मतलब डॉट बॉल्स, आप स्वीप की बात कर रहे हो, तो स्वीप ये कि अंडर 16 की टीम है, कि बच्चे को बताना पड़ेगा कि यहां पे जब बॉल टर्निंग ट्रैक होगा तो बेटा उसको स्वीप मारना है, वो तो यार आपको स्वीप मारना है, आपको बैकफुट पे पंच करके यहां पे सिंगल लेना है, या आपको इधर से, और आप जब माइंडसेट ये हो गया कि ये 6 विकेट ले लिए उसने, चढ़ा लो उसको सिर पे, तो चढ़ा लो फिर सिर पे, तो धीरे ने बोला टेस्ट मैचेस देख लो जहां पे थोड़ा बॉल घूमता है वहां वहां इंडिया ने स्ट्रगल किया है, और पता क्या है, इंडिया अब हालिया हम कहते हैं ना बड़ी अच्छी पिचेस पे टेस्ट मैचेस खेल रहा है, घर पे बड़ी अच्छी पिचेस पे खेल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी बैटिंग जो है जहां पे थोड़ा टर्निंग आता है ट्रैक, भाई साहब आप भी तो गोए खुल जाते हैं आपके, अब आपके बैट्समैन ही कहते नहीं भाई हमने नहीं खेलना उन कुर्रों पे, तो आप जब बैट्समैन का कॉन्फिडेंस ही नहीं है टर्निंग ट्रैक पे खेलने का, तो ही तो आप कहते हो अच्छी पिच पे खेलो, और चलो वो तो आपके यार मतलब स्पिनर अच्छे हैं या फास्ट बॉलर अच्छे हैं ना, मैच जीत जाते हो, बट ये मतलब थोड़ा मुझे, मैं तो सोच रहा था यार इंडिया T20 जीत के आया है जिस फॉर्मेट में हम पीछे थे, यू नो इट इज इन्फेक्शियस, और अब वनडे क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी है, अगेन मैं मानता हूं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया बहुत बड़ा दावेदार होगा, बट यार रन तो चाहिए, और अगेन 3 और 3 6 मैच थे आपके वनडे, आज 2 मैच हो गए, तीसरे वनडे मैच में क्या आंख बंद करके यही कह रहा खेलेंगे, या आप आपके माइंड में डाउट आ गया, अब आपको बैटिंग बढ़ानी पड़ेगी जो आप चीजें देख रहे हो, तो आपके माइंड में डाउट आ गया, डाउट आ गया, दैट मींस आपका जो कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन आपको तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा इसमें ये भी चीज है कि वही चीज ना कि आप शिवम दुबे वॉशिंगटन स्पिनर जो पूरे 10 ओवर देंगे आपको, शिवम दुबे ने 10 ओवर नहीं देते हो, T20 में मानता हूं यार मतलब ही कैन बी कहीं जाके वो 6 गेंदें तोड़ उनको, यार वनडे क्रिकेट ना एक डिफरेंट तरह, अब अगेन लोग इस पे कहेंगे वो तो रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं यार, हर प्लेयर रणजी ट्रॉफी खेलता है, बाहर है ना वनडे क्रिकेट से, सूर्या T20 के राजा है दुनिया के इस वक्त पर, सूर्या को टेस्ट में ट्राई किया, वनडे क्रिकेट एक अलग तरह का, मेरा ये मानना है अभी भी कि इंडिया को ये जो वनडे सीरीज है, अगर आप हार्दिक की शैडो तलाश रहे थे सबसे पहले तो रिंकू सिंह की टीम में होने चाहिए थे, अगर वो नहीं भी है मैं फिर भी मैंने कहा था कि ऋषभ पंत को अभी आप 11 में इसलिए उतारा क्योंकि इट इज केएल राहुल वर्सेस पंत या फिर अय्यर वर्सेस पंत, और ठीक है अय्यर और केएल राहुल 2 मैचों के बिना पे फेल नहीं हुए, मतलब वो बाहर नहीं होंगे, उन्होंने रन भी बनाए थे, पर रन बनाए थे जब हम कहते हैं तो बनाए थे इस थे नवंबर में थे, आज अगले साल की अगस्त आ गई है, सो आपको वो फिटनेस से भी दोनों जूझ के आए, You have to assess them. आंख बंद करके आप ये नहीं सोचोगे कि ये तो चैंपियंस ट्रॉफी की प्लेइंग 11 में है ही है। श्रेयस के लिए एक ही फॉर्मेट है क्या, वो भी प्रेशर ऐड करता है कि आपको लगता है यही फॉर्मेट मैंने खेलना है, पता नहीं जो भी है तो और अब ये अपना रियान पराग को आपने क्यों डाला गया, अगर आपने रियान पराग में वनडे क्रिकेट में देख लिया एक बड़ा प्लेयर उसको खिला देते ना आप, रियान पराग को खिला देते, मेरा ही मानना था शिवम दुबे से पहले रियान पराग को प्लेट वो बॉल भी डालते, अच्छा यहां पर आपको मीडियम पेसर चाहिए इन कंडीशन में या स्पिनर चाहिए, और मुझे आप बताओ, देखो रियान पराग स्पिनर चाहिए ना, T20 सीरीज में किया ना आपको डिफिकल्ट 2 ओवर्स उस दिन डाले, फिर 4-4 ओवर्स का कोटा पूरा किया, बात प्लेयर्स को ट्राई आउट करना एक्सपेरिमेंट है।